सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को फॉर यू कैसे टू ऐसे, बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलने के लिए और लाइक बटन प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी हर्षी। आज मैं आपको एक पहेली यानी रिडल पूछने जा रही हूँ। अगर आपने इस पहेली को अच्छे से सुना और समझा तो आप जरूर इसका जवाब दे पाओगे। ये पहेली दो चोरों के बारे में है। एक दिन उन दो चोरों को पुलिस जेल में बंद कर देती है और इन दो चोरों को कुछ भी करके उस जेल से भागना है। उस जेल में खुली खिड़की थी और ये दोनों चोर खिड़की को देख बहुत खुश हो जाते हैं और एक दूसरे से कहते हैं कि अब हम यहाँ से आसानी से बाहर जा सकते हैं। ये दोनों चोर उस खिड़की तक पहुँचने की बहुत ट्राई करते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़कर भी बहुत ट्राई करते हैं, लेकिन नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि वो खिड़की जमीन से 22 फीट ऊंची थी। फिर वो दोनों चोर उदास होकर सोचते हैं कि अभी क्या किया जाए, तो उनका ध्यान उस कोने में पड़े उदल और पावड़ा पड़ जाता है। जेल में पावड़ा नहीं होता है, लेकिन यहाँ एक पहेली है, तो आपको यह सोचना है कि वह है कुदल और पावड़ा था। फिर उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो दोनों एक सुरंग खोदेंगे और फिर जेल से भाग जाएंगे। तो उन्होंने सुरंग खोदना शुरू किया। सुरंग को खोदे कुछ दिन बीत गए, उन्होंने आधी सुरंग खोदने का काम पूरा किया था। तब उनके दिमाग में उससे भी एक आसान प्लान आया और दोनों चोर उस आसान प्लान को यूज करके भाग गए। तो अब आपको बताना है कि उनका यह आसान प्लान क्या था। आप इस पूरे वीडियो को रिवाइंड करके वापस देख सकते हो। जवाब मिला? ठीक है, मैं बताती हूँ। जब उन्होंने सुरंग खोदना शुरू किया तब वहाँ से बहुत सारी मिट्टी निकलती गई और ठीक उस खुली खिड़की के नीचे मिट्टी का बहुत बड़ा ढेर बन गया और वो दोनों चोर उस मिट्टी के ढेर पे चढ़ के खुली खिड़की से भाग गए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कीजिएगा।